गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर लेसन 18 एंड बट और। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज देखेंगे एंड एंड बी यू टी बट ओ आर और का। एंड मीन्स होता है और, बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु या परंतु, और ओ आर और मीन्स होता है या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रीड द ऑब्जर्व द वर्ड्स इन बोल्ड। नंबर वन, आई लाइक पिज्जाज एंड बर्गर्स। मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर पसंद है, तो यहाँ पे यूज हुआ एंड। मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर पसंद है। नंबर टू, दिस कार इज़ बिग बट दैट कार इज़ स्मॉल। यह कार बड़ी है लेकिन वह कार छोटी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ व्हाट यूज, क्योंकि यहाँ पे आए लेकिन, क्योंकि यहाँ पे टू कार हैं, तो एक कार बड़ी है और एक कार छोटी है। ओके, नंबर थर्ड में लिखा हुआ आई विल ईट अ बर्गर और अ पिज़्ज़ा। मैं बर्गर या पिज़्ज़ा खाऊंगा। यहाँ पे टू चीज़ें दी हुई हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा, इसमें से किसी एक को चॉइस करना है। तो यहाँ पे जैसे इसमें लिखा हुआ है आई विल ईट अ बर्गर और अ पिज़्ज़ा, मैं बर्गर खाऊंगा या फिर पिज़्ज़ा खाऊंगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को खाऊंगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एंड एंड ब्यूटी बट एंड ओ आर और, इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे यूज देखना है आप लोगों को और समझना है। ओके, एंड बट एंड और आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स और कंजक्शंस। द ज्वाइनिंग वर्ड ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है एंड, यहाँ पे एंड वट और तीनों वर्ड्स को बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, या फिर यहाँ पे कंजक्शन भी बोल सकते हैं। इन तीनों शब्दों को ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं या कंजक्शन बोलते हैं, और ज्वाइनिंग वर्ड दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ओके, जैसे हम एंड का यूज देख लेते हैं। एंड ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट सो स्मॉलर आइडिया, सो सिमिलर आइडियाज। एंड जो होता है, एंड का यूज यहाँ पे हम देख लेते हैं। एंड जो होता है वो टू सेम सिमिलर आइडियाज, सेम मतलब एक सी चीज़ों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ आई लाइक पिज़्ज़ाज, आई लाइक बर्गर। यहाँ पे टू सेंटेंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल में देख लेते हैं। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है और मुझे बर्गर पसंद है, तो इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे एंड यूज़ करके जोड़ दिया गया। आई लाइक पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, मुझे पिज़्ज़ाज और बर्गर्स पसंद हैं। बट का यूज देख लेते हैं। बट ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट हैव अपोजिट आइडियाज। बट जो होता है, बट जो होता है वह टू अपोजिट वर्ड्स को, या ऐसा बोल सकते हैं कि विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ता है। बट जो होता है अपोजिट वर्ड्स को या अपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। दिस कार इज़ बिग, दैट कार इज़ स्मॉल। यह कार छोटी है, वह कार बड़ी है। यहाँ पे टू सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इनको व्हाट यूज़ करके यहाँ पे टू सेंटेंस को वन बना दिया गया है। दिस कार इज़ बिग बट दैट कार इज़ स्मॉल। यह कार छोटी है लेकिन वह कार बड़ी है। बट मीन्स होता है लेकिन। ओके, और देख लेते हैं, और का यूज़ देख लेते हैं। और ज्वाइंस टू सेंटेंसेस दैट सो अ चॉइस। और जो होता है वह हमारी पसंद पर आधारित होता है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे टू चीज़ों में से हमें किसी एक को चूज़ करना होता है, वहाँ पे ओ आर और यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल ईट अ बर्गर, आई विल ईट अ पिज़्ज़ा। मैं बर्गर खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। यहाँ पे टू सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इसको यहाँ पे ओ आर और यूज़ करके बनाया गया। आई विल ईट अ बर्गर और अ पिज़्ज़ा। मैं बर्गर खाऊंगा या पिज़्ज़ा खाऊंगा, मतलब इन दोनों में से एक कोई सी चीज़ मैं खा सकता हूँ। ओके, चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज का नंबर वन देख लेते हैं।
अंडरलाइन द ज्वाइनिंग वर्ड इन द सेंटेंस हैज गिवन ब्लू वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरलाइन करना है ज्वाइनिंग वर्ड जो है सेंटेंसेज में, जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग वर्ड हैं तो वहाँ पे अंडरलाइन करना। जैसे यहाँ पे लिखा है आई ब्लाइंड मैन एंड अ बॉय आर क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ पे एंड में अंडरलाइन है। नंबर बी यू कैन प्ले बैडमिंटन और टेनिस, तो यहाँ पे अंडरलाइन मैंने स्टूडेंट्स पहले से ही ज्वाइनिंग वर्ड्स पे करके रखी हुई हैं। नंबर सी एंड एप्पल इज टेस्टी बट अ मैंगो इज टेस्टियर, तो यहाँ पे बट में अंडरलाइन किया हुआ है। शी विल बाय अ टॉय कार बट अ टॉय रोबोट फॉर हर बर्थडे, तो यहाँ पे ओ आर और में अंडरलाइन करना है। द रेड कार एंड द ब्लू कार वेयर रेसिंग, यहाँ पे लाल कार और नीली कार में रेस हो रही है, तो यहाँ पे एंड एंड के नीचे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज का नंबर टू, टिक द करेक्ट सेंटेंस, टिक द सेंटेंस सेज विद द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड। यहाँ पे जिन सेंटेंस में करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड लिखा हुआ है, करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड लिखा है उसमें टिक करना है। यहाँ पे टू टू सेंटेंस दिए हुए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं। नंबर ए का वन माई मदर एंड फादर गो टू वर्क एट 9 AM एवरी डे, तो यहाँ पे नंबर वन का जो सेंटेंस है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो एंड ही एंड है। ओके नंबर टू का रॉन्ग है। फिर नंबर बी देख लेते हैं, यू कैन टेक अ वाटर बॉटल, यू कैन टेक अ वाटर बॉटल और अ थर्मस फ्लास्क फॉर द पिकनिक। नंबर बी का सेकेंड नंबर का सेंटेंस करेक्ट है, इसमें ओ आर और जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है। ओके नंबर सी, नंबर सी में देख लेते हैं, आई ईट ब्रेड एंड एग फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे नहीं सॉरी नंबर सी, अ सिल्क क्लॉथ इज सॉफ्ट बट अ कॉटन क्लॉथ इज रफ, यहाँ पे वट यूज हुआ है, तो यहाँ पे नंबर सी का वन नंबर का सेंटेंस करेक्ट है, इसमें करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड यूज हुआ है ब्यूटी वट। ओके नंबर डी, आई ईट ब्रेड एंड एग फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे एंड यूज हुआ है डी नंबर का, वन नंबर का सेंटेंस करेक्ट है। ओके नंबर ई देख लेते हैं, गौरव एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग, यहाँ पे नंबर ई का सेकेंड नंबर का सेंटेंस करेक्ट है। ओके मैंने टिक कर दिया है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड देख लेते हैं एक्सरसाइज का नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड व्हाट और, यहाँ पे एंड व्हाट और फिल करना है। नंबर ए, आई वांट टू गो आउट एंड प्ले बट इट इज़ रेनिंग, मैं बाहर खेलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन वहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे यूज हुआ बट। नंबर टू, टेक एन अम्ब्रेला और यू विल गेट वेट, अम्ब्रेला ले लो नहीं तो आप, अम्ब्रेला ले लीजिए नहीं तो आप भीग जाएंगे। नंबर सी, डेली एंड मुंबई आर बिग सिटीज़, दिल्ली और मुंबई बड़े शहर हैं, तो एंड यूज हुआ। नंबर डी, ईट हेल्दी फूड और यू विल फॉल सिक, मतलब हेल्दी फूड आपको खाना चाहिए नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं या बीमार पड़ जाएंगे। ओके नंबर ई, सी रैन टू द बस स्टॉप बट मिस द बस, सी रैन टू द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर दौड़ी लेकिन मिस द बस, फिर भी उसकी बस मिस हो गई, उसने दौड़ लगाई लेकिन फिर भी वह बस नहीं पकड़ पाई, उसकी बस मिस हो गई। ओके स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक मैंने फिल कर दिए हैं, आई थिंक आप लोग भर लेंगे फिल कर लेंगे। ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रामर कुछ दी हुई है, फन विथ ग्रामर, कलर द लीव्स विथ ज्वाइनिंग वर्ड्स पिंक एंड अदर वर्ड ग्रीन। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो आपको एक प्लांट दिख रहा है पॉट में, तो इसमें आपको क्या करना है, इन लीव्स में कलर फिल करना है, जो ज्वाइनिंग वर्ड है उनमें पिंक कलर करना है, और जो अदर वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ते हैं ऐसे वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे
ब्यूटीफुल है, पॉन्ड, चेयर, सन, इन बर्ड्स में आप लोगों को ग्रीन कलर करना है। और जो ज्वाइनिंग वर्ड हैं जैसे एंड और ऑन वट, इन पे आप लोगों को पिंक कलर करना है। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में बुक में फिल करना है ओके, और रीड करना है और समझना है ओके।